सफल बने, समर्थ बने, पावन बने जीवन। मीठी मुरली सुन के पाए सुख सघन। आज का चिंतन, आज का चिंतन। ओम शांति, गुड मॉर्निंग। स्नेह का सागर शिवावा, आज हम बच्चों को कह रहे हैं, शांति तुम्हारे गले का हार है। आत्मा का स्वधर्म है, इसलिए शांति के लिए भटकने की दरकार नहीं। तुम अपने स्वधर्म में स्थित हो जाओ तो शांति मिलेगी। तो बाबा आज पूछ रहे हैं, मनुष्य किसी भी चीज को शुद्ध बनाने के लिए कौन सी युक्ति रचते हैं और बाप ने कौन सी युक्ति रची है? मनुष्य किसी भी चीज को शुद्ध बनाने के लिए उसे आग में डालते हैं, यज्ञ भी रचते हैं, उसमें भी आग जलाते हैं। यहां भी बाप ने रुद्र यज्ञ रचा है, लेकिन यह ज्ञान यज्ञ है, आग वाली नहीं। इसमें सबकी आहुति पड़नी है। तुम बच्चे देह सहित सब कुछ इसमें स्वाहा करते हो, तुम्हें योग लगाना है। योग की ही रेस है, इसी से तुम पहले रुद्र के गले का हार बनेंगे, फिर विष्णु के गले की माला में पिरोए जाएंगे। तो बाबा ने बहुत प्यारा सा गीत याद किए हैं, ओम नमः शिवाय। भगते पारलौकिक परमपिता परमात्मा, अर्थात परमात्मा की यह महिमा है। सभी भक्त अथवा साधना करने वाले उनको याद करते हैं, परमपिता परमात्मा को। बच्चे जानते हैं भारत पावन था, लक्ष्मीनारायण आदि का पवित्र प्रवृत्ति मार्ग का धर्म था, जिसको आदि सनातन देवी देवता धर्म कहा जाता है। भारत में पवित्रता, सुख, शांति, संपत्ति सब कुछ था। पवित्रता नहीं है तो ना शांति है ना सुख है। शांति के लिए भटकते रहते हैं, जंगल में फिरते रहते हैं। एक को भी शांति नहीं है, क्योंकि ना बाप को जानते हैं ना अपने आप को समझते हैं कि मैं एक आत्मा हूं, यह मेरा शरीर है, इन द्वारा कर्म करना होता है। मेरा तो स्वधर्म ही शांत है, यह शरीर के ऑर्गान्स है। आत्मा को यह भी पता नहीं है कि हम आत्माएं निर्वाण व परम धाम की वासी है। इस कर्म क्षेत्र पर हम शरीर का आधार ले पाठ बजाते हैं। शांति गले का हार है, फिर भी धक्का खाते हैं बाहर, पूछते रहते हैं मन को शांति कैसे मिले। भक्त अब सारी दुनिया का मालिक तो एक ही, जिसको शिवाय नमः कहते हैं, ऊंचते ऊंच भगवान। अरे शिव तो एक ही बाप है ना, मनुष्य अपने को शिव कहलाए या नहीं कह सकते। सतयुग में सूर्यवंशी राज्य था, फिर त्रेता में चंद्रवंशी, जिसकी महिमा है राम राजा राम प्रजा, त्रेता की इतनी महिमा है तो सतयुग की उससे भी जास्ती होगी। भारत ही स्वर्ग था, पवित्र जीव आत्माएं थी, बाकी और सभी धर्म की आत्माएं निर्वाण धाम में थी। आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, यह भी कोई मनुष्य मात्र नहीं जानते। आत्मा इतनी छोटी सी बिंदी है, उसमें 84 जन्म का पाठ भरा हुआ है। 84 लाख जन्म तो हो ना सके, 84 लाख जन्म में कल्प कल्पांतर फिरते हैं, ये तो हो ही नहीं सकता। है ही 84 जन्म का चक्र, सो भी सभी का नहीं है। जो पहले थे वो अब पीछे पड़ गए हैं, फिर वो पहले जाएंगे। पीछे आने वाले सभी आत्माएं निर्वाण धाम में रहती है। भगते पुरानी दुनिया का विनाश सामने खड़ा है, गाया भी जाता है प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा स्थापना, सूक्ष्मतन है ही फरिश्तों की दुनिया। वहां हड्डी मांस नहीं होता है, वहां सूक्ष्म शरीर होता है, सफेद सफेद जैसे
घोष्ट होते हैं ना। आत्मा जिसको शरीर नहीं मिलता है तो वो भटकती रहती है, छाया रूपी शरीर दिखाई नहीं पड़ता, दिखाई पड़ता है लेकिन उनको पकड़ नहीं सकते। अब बाप कहते हैं बच्चे याद करो, तो याद से तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। गाय भी जाता है, बहुत गई थोड़ी रही, अब बाकी थोड़ा समय, जितना हो सके बाप को याद करो। जितना हो सके क्या करना है हमें, शिव बाबा को याद करना है, क्योंकि याद से क्या होगा, विकर्म विनाश होंगे। गाय भी जाता है, बहुत गई थोड़ी रही, अब बाकी थोड़ा समय है, तो जितना हो सके बाप को याद करो तो अंतमति स्वगति हो जाएगी। गीता में कोई एक दो अक्षर राइट लिखे हैं, जैसे आटे में लून मतलब नमक, कोई के अक्षर सही है। पहले तो भगवान निराकार है यह मालूम होना चाहिए, वह निराकार भगवान फिर बात कैसे करते हैं। कहते हैं साधारण ब्रह्मा तन में प्रवेश कर राजयोग सिखलाता हूं, बच्चे मुझे याद करो, मैं आता ही हूं एक धर्म की स्थापना कर बाकी सब धर्म की विनाश करने। सभी के दुखों का हिसाब किताब चुक्त होता है, दुख मिलता ही है पापों के कारण, पाप का हिसाब किताब चुक्त होने के बाद फिर पुण्य का शुरू हो जाता है। हर एक चीज शुद्ध बनाने के लिए आग जलाई जाती है, यज्ञ रचते हैं उसमें भी आग जलाते हैं। यह तो मेटेरियल यज्ञ नहीं है, यह है रुद्र ज्ञान यज्ञ, ऐसे नहीं कहते कृष्ण ज्ञान यज्ञ। कृष्ण ने कोई यज्ञ नहीं रचा, कृष्ण तो प्रिंस था। यज्ञ रचा जाता है आफतों के समय, माने मुश्किल प्रॉब्लम आती है तब यज्ञ रचते हैं। इस समय सब तरफ आफतें हैं ना, बहुत मनुष्य रुद्र यज्ञ भी रचते हैं, रुद्र ज्ञान यज्ञ नहीं रचते हैं, सिर्फ रुद्र यज्ञ रचते हैं। भगत तुमको बाप राजयोग सिखला रहे हैं, जैसे 5000 वर्ष पहले सिखाया था फिर कल्पवाद सिखलाने आए। शिव जयंती अथवा शिवरात्रि भी मनाने, रात अर्थात कलयुग पुरानी दुनिया का अंत, नई दुनिया की आदि। सत्युग त्रेता है दिन, द्वापर है कलयुग है रात। बेहद का दिन ब्रह्मा का, फिर बेहद की रात ब्रह्मा की। कृष्ण का दिन रात नहीं गाया जाता है, भगवान तो सभी का एक ही है, कृष्ण को थोड़ी सब भगवान मानेंगे, वो तो राजकुमार है। राजकुमार भगवान होता है क्या? अगर वो राज्य करे तो फिर गंवाना भी पड़े। बाप कहते हैं तुमको विश्व का मालिक बनाए, मैं फिर निर्वाण धाम में जाकर रहता हूं, फिर जब दुख शुरू होता है तब मेरा पाठ शुरू होता है। तुम हो ज्ञान सागर बाप के बच्चे, तुम ब्राह्मण सच्ची सच्ची यात्रा कराएंगे, बाकी सब है झूठी यात्री करने वाले। तुम हो डबल अहिंसक, बाबा कितनी ऊंची टाइटल दे रहे हैं, कोई हिंसा नहीं करते हो, ना लड़ते हो ना काम कटारी चलाते हो, काम पर जीत पाने में मेहनत लगती है। विकारों को जीतना है, तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियां शिव बाबा से वर्षा लेते हो, तुम आपस में भाई बहन ठहरे। हम अभी निराकार भगवान के बच्चे आपस में भाई भाई हैं, फिर ब्रह्मा बाबा के बच्चे हैं तो जरूर निर्विकारी बनना चाहिए, अर्थात विश्व की बादशाही तुमको मिलती है। तो बाबा धारणाओं में कहते हैं समय कम है, बहुत गई थोड़ी रही, इसलिए जो भी सांस बची है बाप की याद में सफल करना है, पुराने पाप के हिसाब किताब को चुक्त करना है, शांति स्वधर्म में स्थित होने के लिए पवित्र जरूर बनना है, जहां पवित्रता है वहां शांति है। मेरा स्वधर्म ही शांति है, मैं शांति के सागर बाप की संतान हूं, यह अनुभव करना है। बाबा आज वरदान दे रहे हैं, निर्माणता की विशेषता द्वारा सहज सफलता प्राप्त करने वाले सर्वमाननीय भव,
सर्व द्वारा मान प्राप्त करने का सह साधन है निर्माण बनना। जो आत्माएं स्वयं को सदा निर्माण चित्त की विशेषता से चलाती रहती है वो सह सफलता को पाती है। निर्माण बनना ही स्वमान है। निर्माण बनना झुकना नहीं है, लेकिन सर्व को अपनी विशेषताओं और प्यार से झुकाना है। वर्तमान समय के प्रमाण सदा और सहज सफलता प्राप्त करने का यही मूलाधार है। हर कर्म संबंध और संपर्क में निर्माण बनने वाले ही विजय रत्न बनते हैं। तो बाबा आज हम बच्चों को स्लोगन दे रहे हैं, नॉलेज की शक्ति को धारण कर लो तो विघ्न वार करने के बजाय हार खा लेंगे। तो आज के मूल्य के अनुसार हम सो मान लेंगे, मैं विशेष आत्मा सफलता मूर्त हूँ। मुरली को और गहरी रीति से चिंतन करते हुए निरंतर शिव बाबा की छत्र छाया का अनुभव करना है कि 24 घंटा शिव बाबा मेरे मस्तक पर हैं। मुस्कुराते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, पुरुषार्थ करते रहिए, खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।